हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद कैथल में भी भाजपा के टिकट लेने वालों का नया डाटा सामने आया है और पिछले दिनों कैथल आए भाजपा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी नए चेहरे को टिकट देने की बात कह गए। उन्होंने साफ तौर पर पहले चुनाव लड़ चुके उम्मीदवारों को जिम्मेदारी देने की बात कही है, वही नए चेहरे को टिकट देने की बात कही। एक बार आप भी सुन लीजिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान। अब जब भी चुनाव हुए हैं हमेशा से ही नए चेहरों को कुछ स्थान मिलता है। कुछ पुराने चेहरे कोई दूसरी ड्यूटी उनको मिल जाती है। तो आपने सुना कैथल से भी नए चेहरे को टिकट देने का प्लान बना रही है भाजपा। अब कैथल से भाजपा के टिकट लेने वाले नए चेहरे की बात करें तो उनमें कैलाश भगत, जिला अध्यक्ष मुनीष कठवाड़, राम प्रताप गुप्ता है जिनको भाजपा नए चेहरे के रूप में देख रही है। वही मौजूदा विधायक को भी मौका मिल सकता है, लेकिन पिछले 5 सालों में विकास के नाम पर कैथल की जनता नाखुश है। कैथल में ट्रिपल सरकार होने के बाद भी कुछ खास विकास कैथल में देखने को नहीं मिला। वही संगठन और भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि कैथल की सीट हार की तरफ धकेली जाए, इसलिए पार्टी कैलाश भगत, जिला अध्यक्ष मुनीष कठवाड़, राम प्रताप गुप्ता को टिकट के लिए मजबूत मान रही है। मनीष कठवाड़ के जिला अध्यक्ष बनने के बाद जहां संगठन और पार्टी मजबूत हुई है, वहीं राम प्रताप गुप्ता भी पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। कैथल शहर के कई पार्षदों को अपने साथ जोड़े हुए हैं जो खुलकर गुप्ता के साथ दिखाई देते हैं। मैदानी सर्वे के अनुसार अब अगर पार्टी इन 4 चेहरे कैलाश भगत, जिला अध्यक्ष मनीष कठवाड़, राम प्रताप गुप्ता, लीला राम से किसी एक को टिकट देती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी कैथल की सीट को जिताऊ मान सकती है। अगर पार्टी किसी अन्य पर दाव खेलती है तो पार्टी के लिए जीत तय कर पाना मुश्किल हो सकता है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है और बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बना सकती है, कमेंट करके जरूर बताएं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद कैथल में भी भाजपा के टिकट लेने वालों का नया डाटा सामने आया है और पिछले दिनों कैथल आए भाजपा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी नए चेहरे को टिकट देने की बात कह गए। उन्होंने साफ तौर पर पहले चुनाव लड़ चुके उम्मीदवारों को जिम्मेदारी देने की बात कही है, वही नए चेहरे को टिकट देने की बात कही। एक बार आप भी सुन लीजिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान। अब जब भी चुनाव हुए हैं हमेशा से ही नए चेहरों को कुछ स्थान मिलता है। कुछ पुराने चेहरे कोई दूसरी ड्यूटी उनको मिल जाती है। तो आपने सुना कैथल से भी नए चेहरे को टिकट देने का प्लान बना रही है भाजपा। अब कैथल से भाजपा के टिकट लेने वाले नए चेहरे की बात करें तो उनमें कैलाश भगत, जिला अध्यक्ष मुनीष कठवाड़, राम प्रताप गुप्ता है जिनको भाजपा नए चेहरे के रूप में देख रही है। वहीं मौजूदा विधायक को भी मौका मिल सकता है, लेकिन पिछले 5 सालों में विकास के नाम पर कैथल की जनता नाखुश है। कैथल में ट्रिपल सरकार होने के बाद भी कुछ खास विकास कैथल में देखने को नहीं मिला। वही संगठन और भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि कैथल की सीट हार की तरफ धकेली जाए, इसलिए पार्टी कैलाश भगत, जिला अध्यक्ष मुनीष कठवाड़, राम प्रताप गुप्ता को टिकट के लिए मजबूत मान रही है। मनीष कठवाड़ के जिला अध्यक्ष बनने के बाद जहां संगठन और पार्टी मजबूत हुई है, वहीं राम प्रताप गुप्ता भी पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। कैथल शहर के कई पार्षदों को अपने साथ जोड़े हुए हैं जो खुलकर गुप्ता के साथ दिखाई देते हैं। मैदानी सर्वे के अनुसार अब अगर पार्टी इन 4 चेहरे कैलाश भगत, जिला अध्यक्ष मनीष कठवाड़, राम प्रताप गुप्ता, लीला राम से किसी एक को टिकट देती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी कैथल की सीट को जिताऊ मान सकती है। अगर पार्टी किसी अन्य पर दाव खेलती है तो पार्टी के लिए जीत तय कर पाना मुश्किल हो सकता है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है और बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बना सकती है, कमेंट करके जरूर बताएं।